हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 4 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी। क्वेश्चन था कि अरविंद कृष्णा को किस कंपनी का नया CEO चुना गया है। तो आंसर है आपका यहाँ पे IBM। IBM इसका राइट आंसर था। देखिए, नेक्स्ट अब बात करते हैं जो आज की करंट अफेयर है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का, केंद्र सरकार ने 11 और 12 अप्रैल को किस शहर में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शिखर सम्मेलन का आयोजन की घोषणा की है। तो देखिए, आंसर यहाँ पे हो जाएगा नई दिल्ली। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स में इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसका आयोजन, जैसा कि मैंने बताया, 11 और 12 अप्रैल 2020 को किया जाएगा। और जो है इसका मतलब कि दूसरा जो इसको रेज के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। शॉर्ट में इसका जो इंग्लिश में इसका मीनिंग है, रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे रेज 2020 नाम भी इसको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर बात करते हैं तो देखिए एक पॉइंट जो इसका है, रेज सरकार द्वारा उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में 7 साझेदारी आयोजित किया जाने वाला ये भारत का इस तरीके का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है, प्राथमिक जो इसका मेन उद्देश्य वो यही है कि भविष्य के लिए सामाजिक परिदृश्य को बदलने हेतु उत्तरदायी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता है इसका उपयोग भारत में बढ़ावा देने के मकसद से ही इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता हेतु किस दिन को वन्य जीव विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाया या मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 3 मार्च को, ये विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है और 20 दिसंबर 2013 को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसी के अंदर 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस रूप में मनाने की घोषणा का निर्णय लिया गया था। यानी कि ये 2013 में मनाने की इसकी घोषणा की गई थी, तब से ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, हाल ही में ये मनाया गया है। देखिए, इस दिवस को जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसकी डोरस्टेप डिलीवरी के लिए हमसफर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आंसर होगा यहाँ पे डीजल की। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे हाल ही में अगर देखिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है, हमसफर मोबाइल ऐप, ठीक है, हमसफर इसका नाम है, जिसको श्रम एवं रोजगार मंत्री ने लॉन्च किया, जिनका नाम संतोष गंगवार है। देखिए, अगर यहाँ पे अब जो है क्या होगा इससे कि आपकी घर की ज़रूरतों के लिए जो डीजल की जो आवश्यकता है, ठीक है, जो उद्योग है, फैक्ट्री है या फिर, ठीक है, उनके लिए जो डीजल की आवश्यकता है उसके लिए आपको पेट्रोल पम्प जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब खुद आप इस ऐप के जरिए जो है डीजल बुक करवा सकते हैं और ये घर बैठे आपको जो है डीजल की जो है डिलीवरी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, अब जो डीजल है वो डोर स्टेप मतलब कि घर बैठे मिलेगा आपको। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे देखिए, हाल ही में दिल्ली में आयोजित एकम महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य क्या था। एकम जो महोत्सव है इसका मुख्य उद्देश्य था दिव्यांगजन समुदायों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ये इसका मेन मकसद था। देखिए, यहाँ पे जो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है एकम महोत्सव का, और इसका मतलब कि जितने भी जो मतलब कि विकलांग कलाकार हैं या फिर जो व्यापारी हैं, ठीक है, जो हस्तशिल्प हैं विकलांग, ठीक है, उनके उत्पादों को बढ़ावा देना, उनका जो रोजगार है उनको बढ़ावा देने के मकसद से ही जो है इसका आयोजन किया गया है। तो ये किसको डेडिकेटेड है, जो जो विकलांग लोग हैं, जो दिव्यांगजन लोग हैं, उनके लिए ये स्पेशली आयोजित किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए निम्न में से किसे नामिनेट किया है? तो सही आंसर होगा, एक तो यहाँ पे देखिए धोलावीरा जो है, एक हड़प्पा कालीन शहर है, इसको नॉमिनेट किया है, और एक यहाँ पे दक्कन सल्तनत को, जो दक्कन सल्तनत के जो स्मारक और जो किले हैं उसको, उनको नॉमिनेट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है आपके, तो आंसर होगा ए और बी, दोनों सही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा और विस्तार से अगर बात करें तो देखिए धोलावीरा जो है ये गुजरात का एक पुरातात्विक स्थल है, और इसमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर भी हैं। ठीक है, यह भारत क्षेत्र में सबसे बड़े जो वन्य जीव अभयारण्य है, कच्छ रेगिस्तान, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य, उसी के अंदर ये धोलावीरा स्थित है। दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया था आपको, दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले, धोलावीरा हमने देख लिया, दक्कन सल्तनत की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर कुछ किले और जो स्मारक जो शामिल है उसमें, एक तो यहाँ पे बीदर का किला शामिल है, एक बीजापुर स्मारक शामिल है, और एक यहाँ पे गोलकुंडा किला शामिल है, और एक यहाँ पे गुलबर्गा किला शामिल है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है, बीजापुर स्मारक कहाँ है, गुलबर्गा कहाँ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, जो बीजापुर स्मारक है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद जो है इसके अंदर है, और आपको यहाँ पे जो गोलकुंडा किला की अगर बात करते हैं तो यह है किला अपने जल परमंदन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ जो गुलबर्गा है ये बहमनी सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। यह अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये मोस्टली जो गंगा डॉल्फिन और जो घड़ियाल हैं, प्राकृतिक घड़ियाल, उनके लिए ये फेमस हैं। तो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन, ए और बी दोनों, ठीक है, उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं जो चंबल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जैसा कि आप मैंने बताया गंगा डॉल्फिन और जो लुप्त प्राय घड़ियाल है उनके लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो चंबल अभयारण्य है इनकी मैं बात करता हूँ तो ये विंध्य श्रेणी से शुरू होता है और चंबल नदी के साथ साथ ये यमुना नदी में समाप्त हो जाता है। जो ये किन किन जिलों में फैला है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे देखिएगा, किस दिन को विश्व हियरिंग दिवस के रूप में मनाया गया है? आंसर यहाँ पे 3 मार्च हो जाएगा आपका। देखिए वर्ल्ड हियरिंग डे, सुनने से संबंधित जो मतलब कि ये दिवस है जो 3 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये किस शहर में किया गया था? ये किया है ऋषिकेश के अंदर। देखिए यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ठीक है, इस दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के दौरान सीएम योगी हैं और इन्होंने इसका जो उद्घाटन है वो किया है, इसमें हिस्सा लिया इन्होंने, और काफ़ी सारे इन्होंने जो है जो बातें भी कही है कि जो योग है ये सभी बीमारियों को नष्ट कर सकता है, और जो कोरोना वायरस है इसकी चपेट में भी जो लोग हैं वो नहीं आएंगे अगर योग करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके की बातें हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो आज की क्विज है ये आपको यहाँ पे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन है कि बीते दिनों निम्न में से किसे पोली उमरीगर अवार्ड दिया गया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो भी सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और ये थी आज की करंट अफेयर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही आगे की और नई अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।